चैनल की तरफ से आप ये जो पौधे देख रहे हैं ये धनिया के पौधे, इसको कोरिएंडर ही बोलते हैं। इसका खाना बनाने में, खाने को सुगंधित और स्वादिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकतर ये ठंड के मौसम में ये उगाया जाता है, जिसका चटनी, साग, सब्जी सभी में उपयोग होते हैं। अतः इसके और सब्जी के अलावे औषधीय गुण भी काफ़ी हैं। IBS एक इंटेस्टाइनल बवल सिंड्रोम होता है, जिसमें बार बार दस्त रगने की समस्या होती है और बार बार दस्त होते हैं, उसके में यह काफ़ी लाभदायक होता है। कभी पतले दस्त होते हैं तो कभी दस्त एक समान नहीं होते हैं। इसके लिए आपको एक चम्मच साबुत धनिया पीस लें और एक चम्मच मिश्री या चीनी दोनों को मिला लें, और मिलाने के बाद उसमें को पानी के साथ निगल जाएं तो दस्त और पेट के रोग में लाभ करता है। रात को धनिया को पानी में भिंगो दे और प्रातः पानी छानकर शक्कर या बूरा के साथ मिलाकर रोज पीने से IBS इंटेस्टाइनल बवल सिंड्रोम की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, अगर जो शरीर में जलन हो तो पीसा हुआ धनिया 10 ग्राम लेकर पानी में भिंगो दे और ठंडाई की तरह पीने से शरीर के जलन में लाभ होता है। इसके अलावे बवासीर में आने वाला रक्त में भी काफ़ी फायदा करता है। अगर जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपको मोटापा की समस्या है, तो साबुत धनिया 1 गिलास पानी में उबाल कर 4 चम्मच धनिया ले लें और 1 गिलास पानी में उबाल लें। उबाल कर ठंडा होने के बाद उसको पीने से आपका फैट कम जाएगा, अतः ये कोलेस्ट्रॉल को कमाने के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावे आँखों के रोशनी के लिए धनिया का चटनी में, सब्जी में, हर तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो आँखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। दिमागी गर्मी, अगर जो सर में गर्मी के कारण सर दर्द हो रहा है, उसमें भी ये धनिया का किसी तरह उपयोग करें या ठंडाई की तरह, तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। चेहरे के काला दाग, धब्बे इत्यादि को दूर करने के लिए भी धनिया का उपयोग करें और इसका पेस्ट लगाएं तो चेहरे के दाग, धब्बे इत्यादि दूर चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते। स्वप्न, इसके अलावे स्वप्न दोष की बीमारी है तो 3 चम्मच धनिया रात को पानी में भिंगो कर पानी को छान लें और एक एक करके घुट घुट करके उसको सुबह पी जाएं तो आपको स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगी। दूसरा उपाय, अगर जो स्वप्न दोष की बीमारी तो सूखा धनिया को पीस लें और उसको पीस कर अच्छी तरह से छान लें कपड़े से, कपड़ छान कर लें। इसमें समान मात्रा में पीसी हुई चीनी या मिश्री मिलाकर सुबह भूखे पेट रात के बासी पानी जो रखे हैं वो पानी के साथ 1 चाय के चम्मच से फकी लें तो 1 चम्मच रोज खाने से कुछ ही दिन में आपके स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। मिर्गी का दौरा के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, दिमागी गर्मी को ठीक करता है, तो 1 kg पानी में 50 ग्राम धनिया डालकर उबालें। जब पानी 1/2 kg बचे तो इसे छान कर स्वाद अनुसार नमक मिलाकर 4 भाग कर लें और 4 बार पिए तो आपको मिर्गी की समस्या से भी काफ़ी राहत मिलेगी। अतः अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।